हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिक्सकैड के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर ये 3D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। मगर उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं आज ये 3D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो सबसे पहले आप वो पार्ट डिज़ाइन कीजिए जो सबसे ज़्यादा आपको ईजी लगे, जो आप इजीली ड्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका बेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो बेस में आप देख रहे होगे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो दे रखी है मैं 40 दे रखी है, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ दे रखी है मैं यहाँ पर दे रखी है 60। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं 40x60 की। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो लेंथ है इसकी वो हम दे देते हैं यहाँ पर 60। फिर यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद जो विड्थ है वो दे देता हूँ मैं यहाँ पर 40। फिर टैब की प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारे 60x40 के एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई है। तो अब यहाँ पर बेस के अंदर दो होल दे रखे हैं, पहला होल दे रखा है यहाँ पर ये और दूसरा होल दे रखा है यहाँ पर ये, और जो इन दोनों होल्स के सेंटर की डिस्टेंस है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 40। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो ये मिड पॉइंट है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर की डिस्टेंस होगी 20, और उसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इस एज तक ये डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पर 10। ओके, तो हमें यहाँ पर इसके सेंटर की डिस्टेंस मिल गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल 9 डाया का दे रखा है, जो कि दे रखा है हमें यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे रखी है इसकी 9, जो कि हमारे इस सर्कल का डाया है। तो अब यहाँ पर इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, एक्स एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड लेंगे, ओ एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस डाल देते हैं सबसे पहले 10 की, 10 एंटर करेंगे। यहाँ पर ये एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, एल एंटर, ये लाइन मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसके मिड पॉइंट से। यहाँ पर इस मिड पॉइंट पर एस्केप की दबाएंगे तो यहाँ पर ये लाइन हमारी सेंटर लाइन होगी। अब यहाँ से इस सेंटर लाइन से इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है 20, 40 का हाफ। तो यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेते हैं, ओ एंटर करते हैं, यहाँ पर 20 एंटर करेंगे। यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्कल कमांड लेता हूँ, सी एंटर, यहाँ पर ये सेंटर दे देता हूँ इस सर्कल का, और यहाँ पर डी एंटर करता हूँ डाया के लिए, और यहाँ पर डायमीटर दे देता हूँ इसका 9 एंटर। तो ये हमारा सर्कल यहाँ पर 9 डाया का क्रिएट हो गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम मिरर कमांड ले सकते हैं, MI एंटर करेंगे, यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मिरर लाइन का ये दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। फिर यहाँ पर नो की पेंटिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हैं इनको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा बेस लगभग तैयार हो चुका है। मगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर एक कर्व शेप दे रखी है जो कि हमारी फिलेट के थ्रू क्रिएट होती है, जिसकी रेडियस दे रखी है हमें 10। तो आप यहाँ पर 2D के अंदर ही इसके ऊपर फिलेट अप्लाई कर सकते हो, या 3D के अंदर भी यहाँ पर 3D फिलेट अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एक तरफ तो मैं 2D फिलेट अप्लाई कर देता हूँ और एक तरफ 3D फिलेट अप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको दोनों फिलेट कमांड की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर ये फिलेट कमांड लेता हूँ, R एंटर करता हूँ, यहाँ पर 10 एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट फर्स्ट एंटिटी ये दे देता हूँ, सेकेंड एंटिटी ये दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ज्वाइन कमांड लेंगे, JOIN एंटर करेंगे, यहाँ पर इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को और यहाँ पर इस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू ले लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लगाएंगे, EXT एंटर करेंगे, एक्सट्रूड हमें करना है ये यहाँ पर 10 हाइट तक। तो यहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, 10 एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसे मैं रियलिस्टिक व्यू लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों सर्कल जो एक्सट्रूड हुए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे इसके अंदर होल क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मैं 3D फिलेट कमांड लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये एज सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमसे पूछा फ्लेट रेडियस, तो ये दे देता हूँ मैं यहाँ पर 10 एंटर, तो ये हमारी फ्लेट 3D में अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3D फ्लेट और 2D फ्लेट अप्लाई करते हैं।
ओके, तो अब यहाँ पर ये टॉप 3D पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्रिएट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर, बेस के ऊपर डायरेक्ट, और उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे ईजी मेथड सिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर टॉप व्यू लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये एक तरह से एक रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो होगी यहाँ पर 40-10, जो कि हमारी यहाँ तक है, तो ये होगी हमारी 30, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये होगी हमारी 60। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पॉली लाइन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ इसकी 60, एंटर। अब ऊपर की तरफ हम कर्सर को रखेंगे, 30, एंटर। तो अब यहाँ पर ये जो लेंथ हमारी ये आ गई 60-20, 40 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये हमारी लेंथ इस तरफ भी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 40 को, 20। तो 20 यहाँ पर आ गई, 20 सेंटर में है, 20 यहाँ पर आ गई, ओके। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 7.5, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लेंथ है ये होगी हमारी 35। तो 35 तो ये टोटल दे रखी है, इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो दोनों तरफ का टोटल बच जाएगा 15, और 15 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 7.5 ये डिस्टेंस आ जाएगी, ओके। उसके बाद ये जो डिस्टेंस ये दे रखी है हमें यहाँ पर 12.5। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेंथ एंटर करेंगे 20, एंटर। उसके बाद नीचे की तरफ लेंथ एंटर करेंगे 7.5, एंटर। उसके बाद इधर की तरफ कर्सर को रखेंगे 7.5, एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ 12.5, एंटर। उसके बाद इधर की तरफ ये टोटल लेंथ आ जाएगी 35, एंटर। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ दोबारा 12.5, एंटर। यहाँ पर इस तरफ 7.5, एंटर। ऊपर की तरफ 7.5, एंटर। और इधर की तरफ 20, एंटर। और अब नीचे की तरफ यहाँ पर ये मिला देंगे, तो ये हमारा फ्रंट व्यू क्रिएट हो गया इस ऑब्जेक्ट का, ओके। अब सिर्फ इसके अंदर एक ही काम बाकी बचा है, इसको एक्सट्रूड करना, जो कि हमें एक्सट्रूड करना कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दे रखा हमें 22, ओके। तो यहाँ पर मैं टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू ले लेता हूँ, एक्सट्रूड कमांड लेते हैं, EXT एंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर 22 एंटर कर लेता हूँ, तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 3D रोटेट कमांड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ, और उसके बाद पिक स्टार्ट पॉइंट ऑफ रोटेशन ये दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इस तरफ कर्सर को रखेंगे 90, एंटर कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर मूव कमांड लगाएंगे, M एंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसको मूव कर लेता हूँ इस पॉइंट पर। अब उसके बाद यहाँ पर यूनियन कमांड अप्लाई कर देंगे, तो यूनियन कमांड लेता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट, राइट क्लिक, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर, टाटा बाय।